जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्लॉग विद जुबैर शाह के चैनल पे बताना चाहूंगी, मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूँ और आज हम ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या ये आपके लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। आइए हम चेक करते हैं एक स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम साइड पे तीन ड्रॉप लेंगे ब्लड के। मुझे हम उसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, ब्लड ड्रॉप ए बी और डी। देन हम उसमें ऐड करते हैं एंटी बॉडी, ए के ड्रॉप में ए करेंगे, बी में हम एंटी सीरा जो है वो बी लेंगे और सी में हम लोग एंटी सीरा डी ऐड करते हैं। किसी भी स्टिक की मदद से, पिन की मदद से या टूथपिक की मदद से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं, हम कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं फिलहाल हिजाब पिन को यूज करूंगी ब्लेंड करने के लिए। और एक ही पिन के साथ हम ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमें करेक्ट ब्लड ग्रुप का पता नहीं चलेगा। हम एंटी सीरा को ब्लड ड्रॉप के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए अप्रोक्सीमेटली छोड़ते हैं, जिससे जिसके बाद इसमें एग्लूटिनेशन होती है तो हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड ग्रुप कौन से है। ये जो डी एंटी सीरा है, अगर इसमें एग्लूटिनेशन यानी कि क्लैम्पिंग ऑफ सेल्स हमें नजर आए तो उसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो ना बने तो वो हमें बताती है उसकी एब्सेंस के ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जिसमें क्या हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है कि उसमें क्लम्पिंग जो है वो ब्लड ग्रुप सेल्स की हमें नजर आती है और डी में भी हो जाए यानी थर्ड ड्रॉप में भी होती है, तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप होगा और इसकी प्रेजेंस पॉजिटिव हमें शो करती है तो ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। इसी तरह से ए में अगर हो और डी में अगर क्लम्पिंग ऑफ सेल्स नहीं होती तो हमें पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। एंड फर्दर ऑन इस तरह से हम अपने ब्लड ग्रुप का पता चलाते हैं। लेट सी कि हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें क्लम्पिंग हुई है या नहीं हुई। इसमें हमें अभी ए और बी में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही और डी में ओनली नजर आ रही है। हम इसको फ्यू सेकेंड्स और देते हैं ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लड ग्रुप जो है वो बताएं स्टूडेंट को। क्लम्पिंग मीन्स के जो क्लॉट वगैरह जो इसपे बनते हैं। जी वो एंटी सीरा बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ब्लड जो है वो बिल्कुल क्लॉट हो जाता है सर। सही। तो यहाँ लाइट भी कम है, मैं जरा बी को चेक कर लूं कि मुझे। जी नहीं हो रही, ओनली हमारे पास डी में है। ओके स्टूडेंट, आप टेबल को चेक करें, देखें अगर ओनली डी में हमारे पास हो रही है क्लम्पिंग तो हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। ये देखिए ए में भी नहीं हो रही, बी में भी नहीं हो रही, ओनली अगर हमें डी में नजर आ रही एग्लूटिनेशन तो देन ब्लड ग्रुप विल बी ओ पॉजिटिव। तो हमारे स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ये देखे, ओनली ओ में हुई है तो ये है हमारे पास ओ पॉजिटिव। वो पहला, ये पहला डॉट किसका, ए का, ये ए का सर, ये ऐसे है ना, ये देखिए ऐसे। जी बिल्कुल, ये ए है, ये बी है और ये डी है। वो डी में आप देख रहे हैं क्लॉट सा बन गया है। जी तो इसका मतलब ये डी में अगर क्लॉट बनाया तो ये आपने चार्ट जो बनाया है, जो बनाया है ये देखिए, तो अगर ए में नहीं बने, बी में नहीं बने, अगर डी में बनेगा तो ओ पॉजिटिव। ठीक, तो हमारे स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव, जो कि काफी रेयर भी है। ठीक, थैंक यू। तो डियर व्यूवर्स, आपने देखा कि ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें कैसे ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसका ये एक प्रोसेस था, शॉर्ट सी वीडियो थी। आई होप सो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।